हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने जा रहा हूँ एक और नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि अमेज़न की तरफ से निकाली गई है। और ये प्रोफाइल एक अलग रहने वाली है, और जो आप देखते होंगे इससे पहले तो वो एक अलग प्रोफाइल थी, ये अलग प्रोफाइल रहने वाली है। ये है आपकी डेटा एसोसिएट की, काफ़ी सिंपल प्रोफाइल है और इंटरेस्टिंग है। इसमें कोई कस्टमर वाला नहीं है, कॉलिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। डेटा से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है, और इसमें जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो उसके कंपेरिजन में थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें जो आपका टेस्ट होता है उसमें क्या है, कस्टमर से बातचीत करनी होती है, तो उसके लिए वो एक पर्सन टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश का होता है, आपको लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, टाइपिंग करनी पड़ती है, तो टेस्ट में वो सब चीज़ें पूछता है। तो इसमें इतना टफ नहीं रहने वाला उस जितना वो उसमें रहता है, ठीक है। तो इसी में बात करने वाले हैं पूरी डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले जान लो कि ये परमानेंट आपकी वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है। ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें जो लैपटॉप है, वाईफाई है, वो सब मिलता है। हाँ, और जो ये कमेंट करते हैं कि उनका रिवर्ट नहीं आ रहा है, वो कोड नहीं आया है, मेल नहीं आया है, टेस्ट लिंक नहीं आया है, उनके लिए मैं बाद में बताऊँगा क्या करना है, ठीक है। बेसिकली करना कुछ नहीं है, मेन बात वही है कि आपको फॉर्म अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। जो डिटेल मांग रहे हैं वो देनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 3 मंथ के 3 मंथ से पहले कोई आपने उनका अटेम्प्ट ना किया हो वो, ठीक है, इंटरव्यू। तो उस चक्कर में भी ये दिक्कत आती है कभी कभी, ठीक है। कोई कोई कंपनी रखती है क्राइटेरिया कि 3 मंथ से पहले इन्होंने अप्लाई ना किया हो या इंटरव्यू ना किया हो, इंटरव्यू, ठीक है। अगर आपने इंटरव्यू अटेम्प्ट कर लिया तो फिर उसमें वो 3 महीने से पहले अगर 2 बार कर लिया तो फिर वो ये दिक्कत आती है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई, तो पहले ये जान लो कि ये डेटा कलेक्ट करना है आपको, ठीक है, उसको वेरिफिकेशन करना है, ये काम रहने वाला है। अब जैसे मान लो कोई किसी के अमेजन तो जानते ही होगे ये क्या है, कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए होता है, एक होता है आप यहाँ पे सेलर, एक होता है बायर। तो सेलर क्या करता है, अपना प्रोडक्ट या कोई कंपनी हो गई मान लो, वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लाती है, तो वो कह देती है कि मेरा ये प्रोडक्ट है और इसमें ये वो है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें लिखने का काम रहने वाला है। जैसे एक मोबाइल है तो उसमें क्या क्या फ़ीचर हैं, तो वो सब लिखने का काम रहने वाला है आपका, ठीक है, कि इसमें ये है, ठीक है, इतने मेगापिक्सल कैमरा है, इतना प्रोसेसर है, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखने का काम है डेटा का, ठीक है। वेरिफिकेशन करना है और भी सारे काम हैं, ठीक है, वो सब आपको बताएंगे। अब इसमें बात करें तो 5 डेज़ वर्किंग रहेगा, अमेजन 5 डेज़ वर्किंग कराती, ठीक है। टेस्ट की लिंक तुरंत आएगी आपको इसी के सबमिट करने के तुरंत जस्ट बाद। सबसे बड़ी बात, एलिजिबल कौन कौन रहने वाला है, तो एलिजिबल इसमें एनी ग्रेजुएट, आप BSc, BA, BCom कुछ भी किए हुए हो, ग्रेजुएट हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, एक एक स्टेप मैं बताऊँगा किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके यहाँ पर आ जाओगे, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके वहाँ पे कुछ आपको सिंबल देगा कि ये सेलेक्ट कीजिए, तो वो सेलेक्ट करके आपको कर देना है। अब देखो यहाँ पे ये जॉब डेटा एसोसिएट ML साइड वर्क होम, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, तो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है। कभी भी कोई भी फॉर्म भरो तो उससे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि इसमें ये चीज़ बताते हैं कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या काम आपका रहने वाला है, तो उससे क्या है कि आपको चीज़ें थोड़ी पता चल जाती हैं, जो कि इंटरव्यू में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर लेते हैं, तो उस चक्कर में, ठीक है। अगर मैं क्वालिफिकेशन और स्किल्स की बात करूँ तो बेसिक लेवल ऑफ एक्सेल नॉलेज, मतलब एक्सेल की अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। फैमिलियरिटी विद ऑनलाइन रिटेल, मतलब जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उनसे आपको काफ़ी अच्छी तरह वो होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उनकी भी। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल के लिए क्या होना चाहिए, आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब इसको देख के डर मत जाना कि 20 Mbps की स्पीड ये दिखा रहा है, तो देखो जब आप स्पीड अपनी चेक करोगे मोबाइल की तो वो जनरली इतनी दिखा देगी, ठीक है, आप देखोगे तो इतनी लगभग स्पीड दिखा देगी अभी भी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और जो बैकग्राउंड में नॉइज होता है वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ मेन है कि आप इन स्टेट के अंदर आने चाहिए, ठीक है, आप इनसे बिलोंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो इन स्टेट में रह के आपको जॉब करनी होगी, ये ओके। तो ये सब रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ग्रेजुएट इक्विवेलेंट, ठीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वर्बल रिटन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और जो क्रिटिकल थिंकिंग वो सब अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए,
ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ द ह्यूमन लेवल डेटा ऑर्गेनाइजेशन एम टू प्रोवाइड क्वालिटी डेटा एनोटेशन, एनोटेशन मतलब वही जो मैंने बताया लिखते हैं वहाँ पे, टू हेल्प ड्राइव AI मॉडल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। अब मैं बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, एक एक स्टेप इसी तरह अप्लाई करोगे तो ज़रूर रिवर्ट आएगा, ठीक है। हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब, आपने कहाँ से इस जॉब के बारे में सुना? तो ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जॉब बोर्ड, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, अमेजॉन एम्प्लॉय रेफर, ठीक है। तो इनमें से किससे सुना है तो वो जॉब बोर्ड लिख दो, कौन सा जॉब बोर्ड, बहुत सारे जॉब बोर्ड हैं ये, ठीक है। किसी से भी कर दो, लिंक्डइन नौकरी, ठीक है, नौकरी कर देता हूँ, नौकरी.com होता है एक। यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम भरना है, यहाँ पे आपको मेल भरनी है अपनी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ओके, यहाँ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, और ये डेट ऑफ बर्थ सही से भरनी है आपको, ठीक है। और इसके बाद जेंडर, मेल फीमेल, और उसके बाद सिटीजनशिप, कहाँ से हो, इंडिया से, जो भी है। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं, ठीक है। मतलब डिसेबिलिटी हो या ना हो तो उसके हिसाब से आपको भरना है, यस या नो, ठीक है। और इसमें जो डिसेबल्ड हैं उसको थोड़ा सा वो मिलेगा, क्योंकि उनके लिए कुछ सीटें होती हैं, तो उसके हिसाब से है कुछ, ठीक है। ये पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। फुल एड्रेस, आपको अपना फुल एड्रेस देना है, यहाँ पे करंट सिटी, ओके, यहाँ करंट स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ये पिन कोड आपको डालना है। हाईएस्ट एजुकेशन प्रोफाइल, हाईएस्ट क्या है तो वो भर देना, ठीक है। कंप्लीट ग्रेजुएशन कर देना, और ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया है तो ये लिख दोगे, ठीक है। 2023 वाले भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, 2023 में जो पास आउट हो रहे हैं। और एजुकेशन टाइप, किस टाइप की एजुकेशन, अगर आपने BTech किया है या कुछ और तो उसके हिसाब से, जैसे BCom तो कॉमर्स हो जाएगी, ठीक है, BA आर्ट्स, और तुम्हारा BTech इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आप फिल कर दोगे। टोटल एक्सपीरियंस यदि है तो भर दोगे, नहीं है तो फ्रेशर कर देना। आर यू वर्किंग करंटली, आप कहीं काम कर रहे हो अभी तो यस कर देना, नहीं कर रहे हो तो नो, ठीक है। नोटिस पीरियड, यदि आपके पास कोई नोटिस पीरियड है कि कहीं काम कर रहे हो तभी नोटिस पीरियड होता है, कि कंपनी बोलती है कि हम आपको आपको जैसे आपने रिजाइन दे दिया तो उसके 1 महीने तक और काम कराएगी, उसके बाद छोड़ेगी, या 15 दिन, या 2 महीने, या 3 महीने, तो उसके हिसाब से वो होता है नोटिस पीरियड, ठीक है। तो यदि आप कहीं काम नहीं कर रहे हो, कैन ज्वाइन इमिडिएटली, ठीक है, इमिडिएटली कर देना। करंट एम्प्लॉयर, लास्ट एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इसमें मतलब अब कहीं हो तो उसके हिसाब से लिख देना, ठीक है। और आगे करंटली मंथली सैलरी कितनी रहने वाली है, आप कहीं काम कर रहे हो तो इसके हिसाब से लिख देना जितनी सैलरी हो। डू यू हैव एनी एक्टिव एंड करंट बैकलॉग, मतलब कोई बैकलॉग है आपकी तो लिख देना, नहीं है तो नो, ठीक है। आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, यस कर देना इसमें, ठीक है, कि मतलब आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी तो। आर यू विलिंग टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, कर सकते हो, ठीक है, यस कर देना इसमें भी। आर यू विलिंग टू रिलोकेट द लोकेशन, लोकेशन अगर ये चेंज करना चाहेंगे तो उसको भी यस कर देना, ठीक है। आर यू विलिंग टू बी अ जॉब दैट मे रिक्वायर इंटरेक्टिंग विद कस्टमर वे टेलीफोन और ईमेल, ठीक है, इसमें भी यस कर देना। आगे पैन नंबर देना है, यहाँ पे आधार नंबर देना है, और यू हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड एट अमेजोन, आप अमेजोन के एम्प्लॉय हो तो इसमें यस, वरना नो। आर यू करंटली वर्किंग विद अमेजोन, वर्किंग काम कर रहे हो करंटली तो यस या नो। और आपका रिज्यूमे यहाँ पे फिल अपलोड कर देना है। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो फ़ोटो लेना है वो कैमरा का यूज करके लेना है, ना कि अपलोड करना है, अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है, मेन बात। तो ये सेटिंग से कर लेना अगर न फोटो खिंच पाए तो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपको आगे सबमिट कर देना है, उसके बाद एक कोड आएगा और उसी के साथ आपको यूजर नेम और वो मिल जाएगा लिंक, ठीक है, वहाँ से जाके आप टेस्ट दे सकते हो डायरेक्ट, अच्छी तरह टेस्ट देना। और एक इम्पोर्टेंट बात, तो ये तो रही ग्रेजुएट वालों की, और भी मैं कई सारी जॉब अपडेट देता रहता हूँ चैनल पे, 12th पास वालों के लिए, 10th पास वालों के लिए, वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम और फुल टाइम ऑफिस जॉब। जैसे एक अभी दी थी सिंट की थी, 7 लाख का पैकेज था, तो उसमें डेटा एनालिस्ट की थी, उसमें भी 12th पास अप्लाई कर सकते थे, तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, और भी कई सारी जॉब हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।